MCQs है, MCQs नंबर 35। देखें, द एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज पब्लिश्ड बाय, बेटा पॉपुलेशन के ऊपर जो एसे था वो बेसिकली पब्लिश किया था मैलथस ने। तो हमारा आंसर बनेगा चार्ली 36। मैच द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखें बेटा, यहाँ पे जो जो डिवाइन क्रिएशन लिखा है ना, बेसिकली एवोल्यूशन के मुताबिक दो कॉन्सेप्ट है। एक था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये डिवाइन क्रिएशन से मुराद यही है कि तमाम चीजों को जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया। देन एमसीक्यूज नंबर 37, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय, जो है बेटा जियोलॉजी के मुतालिक जो प्रिंसिपल था ये बेटा पेश किया था लिल ने। तो हमारा आंसर बनेगा बीटा। मैच द कैटेस्ट्रोफिज्म, कैटेस्ट्रोफिज्म के बारे में जो एवोल्यूशन का पहला चैप्टर है, पहला पहला पेज है उसके अंदर बेटा, ये टेबल में अंदर जो है ना वहाँ लिखा हुआ कि केवियर ने जो है बताया था कैटेस्ट्रोफिज्म के बारे में। इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर जो है बेटा ये बन गई थी आज से 420 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट एनसीक्यूज, एंडोसिम्बियोट फ्लैजेला जो है बेटा वो ओरिजिनेट हुआ था स्पायरोचीट से, इजी है। 41, द आइलैंड नियर द साउथ अमेरिका, ये हमने पढ़ा है बेटा गैलापिगोस आइलैंड था जहाँ पर ये डार्विन ने स्टडी की थी। डार्विन केम बैक, ये बेसिकली ये है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, ये 1836 के अंदर, तो देन ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया। चल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, देखो ये था F1 क्रॉस, ठीक है ना, इससे हमें हासिल हुआ था कैपिटल आर और ये बन गया, ठीक है ना, ये F1, फिर जब इसको इसी से क्रॉस कराएंगे ना तो ये ही बन जाएगा F2, F2 जनरेशन इसे हासिल होगी। और इसी में अगर आप यूं भी इसको लिख सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बन जाएगा। चल, यानी अब आपको क्लियर होगा इसका आंसर बनेगा बीटा। 44, मेंडल लॉ आर एक्सप्लेन बाय, देखो बेटा मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग मियोसिस, कि बेटा फर्ज कर लें ये दो जो है बेटा ये पेयर ऑफ ट्रेट है, मियोसिस के दौरान इनके गैमेट्स बनते हैं और ये सेपरेट होते हैं, मियोसिस 1 के दौरान ऐसा होता है। तो सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स जो होती है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट, वो जो है बेटा ये मेंडल लॉ ने अपने पहले लॉ में एक्सप्लेन किया। तो आंसर हमारा बनेगा चार्ली, विच ऑफ द नॉर्मली नॉट फाउंड इन गैमेट। देखो बेटा, गैमेट जो होते हैं ना वो से ये मैं बात कर लेता हूँ, ये पाया जाएगा इंडिविजुअल में, दो एक से अलील किसी भी एक इंडिविजुअल में होता है, लेकिन जब उसका गैमेट्स बनेंगे तो इन दो अलील में से उसमें से कोई सा एक अलील आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते गैमेट, क्योंकि इंडिविजुअल डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड में दो पेयर अलील होते हैं, लेकिन हैप्लाइड में उनमें से कोई सा एक आता है, दोनों नहीं आ सकते। तो यहां पर ये दो एक से, हाँ ये आ सकता है, स्मॉल बी आ सकता है, कैपिटल बी भी साथ आ सकता है, लेकिन बी की भी बात करोगे तो दोनों बी इकट्ठे गैमेट में नहीं आ सकते, ऐसा सिर्फ नॉन इंजेक्शन में हो सकता था, नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। तो आंसर हमारा बनेगा चार्ली। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। देखो बेटा, टेस्ट क्रॉस बेसिकली था, जैसे आप लिख सकते हो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। मेंडल को नहीं पता था कि बेसिकली जो राउंड उसके पास है वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस, तो इसलिए ये है अननोन, अननोन, और इसको इसने क्रॉस करवाया रिसेसिव के साथ, स्मॉल ए, स्मॉल ए, वो बेसिकली रिसेसिव है। तो आंसर हमारा बनेगा चार्ली। देन 47, इफ द मेंडल हैड चूजन मोर देन 7 ट्रेड। देखो बेटा, मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, अगर जो ये दो करेक्टर स्टडी कर रहा था, बेसिकली वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, से ये स्टडी कर रहा था राउंड और अगर येलो एक ही क्रोमोसोम पर होता तो इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फ्लॉप हो जाता, वो प्रूफ ही ना कर पाता। अगर कोई से दो जीन जो इसने स्टडी किए वो एक ही क्रोमोसोम पर होते तो ये कभी भी अप्लाई नहीं होता। असल में था क्या, इसका राउंड का जीन और क्रोमोसोम पर था, कलर का जीन और क्रोमोसोम पर था, यहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो अप्लाई हो जाता।
तो यही था। अब अगर ये 7 से ज्यादा करेक्टर पढ़ता तो फिर जो है बेटा देर इज अ बिगर चांस कि वो कोई से दो ऐसे अलील जो है वो स्टडी कर लेता जो एक ही क्रोमोसोम पर थे। उस पर इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी भी प्रूफ ना हो पाता, क्योंकि एक ही जीन, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, और लिंक्ड जीन के ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होता। तो ये फिर इसके लिए मसला बन जाता। इफ द जीन नॉट लिंक्ड अ जीनोटाइप, देखो बेटा ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट है ना 2 की पावर n, जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट है। तो n यहां पर हेटेरोजाइगोट कितने, 2, तो वैल्यू को पुट करें 2 × 2, तो आंसर बनेगा 4 इसके गैमेट बनेंगे। यहां आंसर हमारा बन जाएगा डेल्टा। 49 मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट टू फैक्टर फॉर द सेम ट्रेड सेपरेट इन द प्रोटीन, बिल्कुल डेफिनेशन है, अल्फा आ जाएगा। इफ एन इंडिविजुअल हैज रिसेसिव फिनोटाइप फॉर अ ट्रेड द जीनोटाइप मस्ट बी, अगर रिसेसिव होगा तो होमोजाइगस रिसेसिव की शक्ल में ही वो शो हो सकता है ऐसे, क्योंकि इस शक्ल में वो डोमिनेंट शो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन क्रॉस सेग्रीगेशन की बात करें तो वहां मोनोहाइब्रिड था, और मोनोहाइब्रिड में 3:1 होती है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट ओबेड, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि लिंकड जीन के ऊपर ये ओबे नहीं होता। इफ द फादर ऑफ अ चाइल्ड इज अ हीमोफिलिक, देखें फादर हीमोफिलिक है, ये फादर हीमोफिलिक हो गया, एंड द मदर इज कैरियर, मदर अगर कैरियर है तो ये ऐसे मदर कैरियर हो सकती है। ओके, आप इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएं। तो बेटा उसने पूछा है कि चांस ऑफ द सन्स, सिर्फ सन्स के बारे में पूछा है, इसके दो बेटे हो, अब पॉसिबिलिटी है दो बेटों की, तो इसमें से एक हीमोफिलिक है दूसरा बच गया, तो आंसर आएगा 50%। अगर ऑफस्प्रिंग पूछता फिर भी जवाब 50% ही आ रहा था, क्योंकि एक बेटी भी क्या है जो है वो हीमोफिलिक है, लेकिन पूछे ही सन का तो फिर वो 50% आंसर आ जाएगा। देन व्हिच इज द डिस्टिंक्ट करेक्टर ऑफ मेल, बड़ा सिंपल सा बेटा, मेल के अंदर जो है वो सेक्स कॉम पाए जाते हैं, डेल्टा। सेक्रेटर जीन जो होता है ये एंटीजन्स होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप वाले, ये क्रोमोसोम नंबर 19 पर होता है। एबीओ का जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है और ये 19 पर होता है। विच ऑफ द हीमोफिलिस ऑटोसोमल, आप जानते हैं ऑटोसोमल हीमोफिलिया सी होता है। टेल द एक्सपेक्टेड जीनोटाइप प्रोपोर्शन फॉर अ बोथ डोमिनेंट करेक्टर, जो बोथ डोमिनेंट करेक्टर थे वो राउंड एंड येलो था और वो 9/16 था टोटल में से। टेस्ट क्रॉस इज बिटवीन, देखो बेटा टेस्ट क्रॉस फिनोटिपिकली डोमिनेंट दिखने वाले के साथ रिसेसिव को आप क्रॉस कराते थे, तो इसका आंसर बनेगा बीटा। 59 हाउ मेनी गैमेट विल बी प्रोड्यूस, मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 की पावर n, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट यहां 3 है तो लिखेंगे 2 की पावर 3, तो आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 8। एमसीक्यू नंबर 60, इफ नॉर्मल कपल हैविंग नो साइन ऑफ inherited trait having 4 children, 3 boys and the 1 their girl, sons are suffering from this, देखो बेटा वालदैन से बेटा उसी वक्त जो है वो डिजीज का शिकार होगा जब वालदैन कैरियर होंगे, ठीक है ना, तो आंसर हमारा इसका बन जाएगा एक्स लिंकेड रिसेसिव। हीमोफीलिया ए एंड बी आर नॉन अलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंकेड होंगे, ये बुक लाइन है बेटा, ये हेमिजाइगस होते हैं मेल के केस में और नॉन अलीलिक होते हैं। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन जो होता है ना ये रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। लेमार्क प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, सिंपल है। द गिल पाउचेस विल डेवलप इनटू एस्टिचियन ट्यूब, ये थ्रॉट और बेटा एयर के दरमियान में एक कनेक्शन होता है, तो हमारा आंसर बनेगा थ्रॉट। अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बियंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा वो एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने के बाद डेवलप हुआ था। एन एक्वायर्ड करेक्टर वो होता है जो कि बेटा नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता। विच इज वन इज रेलेवेंट टू आर्चियो बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की टाइप है।
आर्चियोबैक्टीरियस कैटेगरी में नहीं आएगा। लास्ट एमसीक्यूज है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स जो होता है, ये बेटा बेसिकली एक डोमिनेंट करेक्टर होता है, डोमिनेंट। हमारा आंसर बनेगा अल्फा। यहाँ पे हमारी डिस्कशन मुकम्मल हो गई। आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल हो आप अपना क्वेश्चन भेजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।